जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं लगे हुए थे और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किनसे गठबंधन हो सकता है आपका? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे देश के 5-6 राज्यों में काम करती है। हरियाणा राज्य में अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला जी की इनेलो पार्टी से गठबंधन है। अभी पीछे हरियाणा में कार्यक्रम था तो नीतीश कुमार जी और आरजेडी से तेजस्वी जी भी उस कार्यक्रम में थे, मैं भी वहाँ पर था मंच पर। तो अभी 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में जाना नहीं है। हमारा मकसद है, जो हमारा जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, जो हमारी विचारधारा है, जो भी राजनीतिक दल उस विचारधारा पे सहमति प्रकट करेगा, जिस प्रकार से आज राजपूत समाज के अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारे दलित या पिछड़े या जो मुस्लिम भाई हैं उसमें भी भेदभाव पैदा करके जो है उनके भी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, तो जो युवाओं को रोजगार की बात करेगा, महिलाओं के सुरक्षा की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आरजेपी पार्टी सुखदेव सिंह घोगामेडी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से लेकर इस कार्यक्रम का आगाज कर रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। समाज बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है कि सरकार के संरक्षक ने जो है हथियारे आज भी सुरक्षित हैं और आज जो हमारा समाज है वो विचलित है कि अगर वो कानून को हाथ में उठाए तो कानून जो है हमें जो है दंड देने के लिए तैयार खड़ा है। और इस समय ये स्थिति बनी हुई है कि जो युवा हैं वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किस रास्ते पर जाएं। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने सभी देश के युवाओं से आह्वान करती है कि हम लोग अपने झंडे पर लोकसभा विधानसभा में सत्ता के ऊपर बैठे और अपने साथ भी न्याय करें और दूसरे समाज के साथ भी न्याय करें। तो सुखदेव जी को श्रद्धांजलि है हमारी और मैं आपसे आपके माध्यम से वादा करता हूं कि हम लोग सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके कानूनी रूप से ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देंगे जो इतिहास देखेगा। राणा जी, औरंगाबाद आने का क्या पर्पस है? देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने सुखदेव सिंह जी के लिए एक श्रद्धा सुमन देने के लिए कार्यक्रम रखा था। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने आज औरंगाबाद में सुखदेव सिंह जी घोगामेडी, जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या के विरोध में और उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री देवेश सिंह जी, हमारे